Good morning, students. How are you? Fine. I'm also fine. Okay, let us start the study. Chapter number 7, Science of the 7th Standard. And chapter name is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Okay, in our previous lecture, we have completed the chapter. If you have any problem, you can consult me in office. You can come to school and then ask the any questions. Okay. Now we will start the question answers. I have sent you a PDF of the previous chapter. I will send today. Okay, 6th chapter up to 5 I have already sent. Aapko 5 PDF maine bhej di hai. Ab aapka 6 number ka hai wo aaj bhej dungi and 7th after the time. Okay. So today we will start the question answer of the chapter. First of all, open your books. बुक ओपन करिए पेज नंबर 71. ओके, तो 71 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. टेक द करेक्ट ऑप्शन ए. उसका फर्स्ट है ह्यूमिडिटी इज मेजर ऑफ डैश प्रेजेंट इन एयर. एयर में क्या चीज़ होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. किसको मापते हैं हम? तो इसका आ जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, नो विंड, नो मॉइस्चर. सी पे आप मार्किंग करिए मॉइस्चर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में कौन कौन नहीं रहता है? तो पेंगुइन है, बिल्कुल रहता है. पोलर बियर रहता है. कैमल तो नहीं रहता है और रेंडियर रहता है. तो सी आपका कैमल पे आप मार्क करिए. अब थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्ग कलरफुल बीक. और बहुत सुंदर सी कलरफुल बीक किसकी होती है बेटा? टाउकेन बी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ एन ऑपोजिबल थंब. ऑपोजिबल थंब किसमें होता है? रेड आइड फ्रॉग के अंदर बताया था हम लोग, बताया था ना आपको ऑपोजिबल थंब. एक मिनट बेटा. ऑपोजिबल थंब हमने आपको बताया था मंकी में. ओके, पेज नंबर 70 पे है ना, लास्ट सेकंड लाइन देख लीजिए. दे हैव ऑपोजिबल थंब. ओके, मंकी आएगा आपका. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव एन ऑपोजिबल थंब? आंसर विल बी मंकी. अ मंकी इज फाउंड ऑन टू हैव सिल्वर वाइट मैन सराउंडिंग द हेड इज कॉल्ड. एक ऐसा मंकी जिसमें सिल्वर वाइट मैन होती है और पूरे हेड को सराउंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बी इज द लॉइन टेल मॉस्क्यू. लॉइन टेल मॉस्क्यू. सिक्स नंबर है द एलिफेंट हैज़ इट्स ट्रंक एज ए सेंस ऑर्गन फॉर डिटेक्टिव. एलिफेंट के अंदर क्या होता है? एक ट्रंक होती है उसके अंदर, तो एक सेंस ऑर्गन का काम करता है. सेंस ऑर्गन तो क्या करेगा वो? सेंस ऑर्गन का क्या काम होता है बेटा? स्मेल. तो डी आ जाएगा आपका. तो फिल इन द ब्लैंक. पेंगुइन्स आर इन कलर विथ ब्लैक कलर्ड ऑन देयर बैक. तो आपको फिलिप्स का यानी कि दूसरे का आंसर लिखना है. तो क्या आ जाएगा? पेंगुइन्स आर वाइट इन कलर. क्या आ जाएगा? वाइट इन कलर. और यहाँ पे आ जाएगा फीदर्स. यहाँ पे सेकेंड में आपका फीदर्स ऑन देयर बैक. द डैश हेल्प्स ए टाउकेन टू रीच द फ्रूट्स. कहाँ तक? कौन मदद करता है उसकी फ्रूट तक पहुँचने में? लॉन्ग बीक. लॉन्ग बीक. थर्ड नंबर है आपका मूविंग. नहीं, पोलर बियर हैज़ द थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड डैश अंडर द स्किन. स्किन के अंदर क्या होती है? ब्लबर. फोर्थ नंबर पे आइए आप. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड दैट मूविंग एयर इज नोन एज द विंड. नंबर से फाइव. द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन. कौन सा एरिया हो जाएगा वो? पोलर रीजन. पोलर रीजन ही तो होता है आपका. उसके बाद में आता है आपका द बिग कैट हैव शार्प. बड़ी बड़ी बिल्लियाँ होती है उसमें क्या होता है? शार्प टू लोकेट देयर प्रे फ्रॉम ए डिस्टेंस. तो एक डिस्टेंस के साथ में वो चीज़ों को ढूंढ लेती है. क्या होती है? शार्प आई साइट. कम टू द सेवेंथ.
This is the last. Relative humidity is measured with the help of an instrument called relative humidity. जो होती है वो किसके द्वारा नापा जाता है? Hygrometer. किसके द्वारा मापते हैं? Hygrometer. Now, come to the question number C. C में आ जाइए आप. पहला है द बिग कैट्स रन अवे वेरी फास्ट विद द हेल्प विच हेल्प देम कैच देयर प्रे. बहुत तेजी से वो भागती है जिसके कारण वो अपने प्रे को पकड़ सकती है. बिल्कुल सही बात है. ट्रू. पहले का लिखिए आप ट्रू. दूसरा है वाइल्ड एनिमल्स सच एज द काऊ पिग एंड गोट आर कॉल्ड बिग कैट्स. फर्स्ट का आ जाएगा ट्रू और दूसरे का आ जाएगा फॉल्स. ये सुअर वगैरह जो होते हैं, ये गाय होती है, बकरी होती है, ये बिग कैट्स नहीं होती है. फॉल्स. साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू हिमालय रीजन ऑफ इंडिया. साइबेरियन क्रेन जो होती है वो हिमालय रीजन से माइग्रेट करती है. नो, वेरी बैड. हिमालय से नहीं करती है, वो तो साइबेरिया से करती है. ओके. क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट इज वेरी हॉट. बिल्कुल सही बात है. थार डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो आपका बहुत हॉट होता है. तो दैट इज द ट्रू. फिफ्थ नंबर है पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. यस, पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. देखिए 1, 2, 3 फॉल्स आएगा, 4, 5 आपका ट्रू आएगा. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे. एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसके द्वारा हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसको लेते हैं, तो मेजर करते हैं. उसका नाम क्या है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. देन इरेज इट. कौन से वाले का है? डी, वेरी शॉर्ट. हाँ, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. नंबर टू क्या कह रहा है? नेम वन प्लेस इन इंडिया वेयर साइबेरियन क्रेन्स कम एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ. थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, उस जगह का नाम बताइए इंडिया की जहाँ पर कि कुछ महीनों के लिए हर साल साइबेरियन क्रेन जो होती है वो आती है. तो कौन सा हो जाएगी? भरतपुर इन राजस्थान. भरतपुर इन राजस्थान. नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका. नेम एन एनिमल हैविंग स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट. उसके पैरों पे स्टिकी पैड्स होते हैं. रेड आईड फ्रॉग. ओके. फोर्थ नंबर देखिए. मेजर द इंस्ट्रूमेंट. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल. रेनफॉल बारिश को नापने के लिए कौन सा आता है आपका? रेन गेज. फिफ्थ नंबर पे आइए आप. नेम एनी टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन क्लाइमेट. क्लाइमेट को डिटरमाइन करने वाले दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक आप विंड कह सकते हैं, दूसरा ह्यूमिडिटी कह सकते हैं. नंबर वन विंड, नंबर टू ह्यूमिडिटी. अगर नंबर थ्री पूछा होता तो आप क्या कह सकते थे? यू कैन से एट द टाइम टेम्परेचर. अच्छा, नेम एनी टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन क्लाइमेट हो गया. सिक्स नंबर, फाइव यू कंप्लीटेड. गिव नेम ऑफ एनी एनिमल विच इज वेल अडेप्टेड फॉर टू लिव इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में रहने वाले किसी एक एनिमल का नाम लिखिए जिसने वेल अडेप्टेड है उस पोलर रीजन के लिए. माने पोलर रीजन को उसने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी कि पोलर बियर. अगर दूसरा पूछ लेते तो आप क्या बताते?
अगर दूसरा पूछते तो आप बताते पेंगुइन. ओके नेक्स्ट. व्हेन इज मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे रिकॉर्डेड? किसी भी पर्टिकुलर दिन के लिए सबसे कम वाला जो टेम्परेचर होता है वो कब रिकॉर्डेड होता है? इन अर्ली मॉर्निंग. इन अर्ली मॉर्निंग. ओके इन अर्ली मॉर्निंग हो गया आपका. यस टर्न योर पेज 72. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन फॉलोइंग एवरी ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन. यानी कि माइग्रेशन यानी मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड फॉर ब्रीडिंग पर्पस. तो कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, कई सारी डेफिनेशंस आ सकती है. लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि बहुत बड़े एक झुंड के अंदर एनिमल्स का मूवमेंट होना चाहिए, होना होता है यहाँ पर. ठीक है. फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन फॉलोइंग एवरी ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन. हर साल वो माइग्रेट करते हैं. व्हाट इज मीन्ट बाय एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? द फेवरेबल फीचर्स एंड हैबिट्स विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर हैबिटेट और सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. माने कि किसी भी एनिमल के लिए वो फेवरेबल कंडीशन, वो उसकी रहने की जगह जिसके अंदर वो आसानी से रह सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम. रह भी सकता है, ब्रीड भी कर सकता है, मतलब टोटल एक रहने वाला जो सिस्टम होता है दैट इज. थर्ड है व्हाट आर बिग कैट्स? बिग कैट्स कौन कौन सी होती है बेटा? बिग कैट्स होती है आपकी वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लॉयन है, टाइगर है और लेपर्ड है. दीज आर कॉल्ड द बिग कैट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. हवा में जो नमी की मात्रा होती है दैट इज द ह्यूमिडिटी. अभी टुडे इज द रेनी सीजन, दिस इज द रेनी सीजन टुडे, रेनी डे है ना. तो वी आर वॉचिंग दैट ह्यूमिडिटी इज मोर टुडे. ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है अगर आप देखा जाए तो क्या आ जाएगा आपका कि ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई. जब हवा में जो वाटर वेपर होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है वी से दैट ह्यूमिडिटी इज हाई. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय वेदर ऑफ अ प्लेस? किसी भी जगह के वेदर, दो चीज़ बताई थी हमने आपको, वन इज़ द वेदर, अदर इज़ द क्लाइमेट. तो वेदर के लिए बताया था द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डे. ओके एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डे इन एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. ओके नेक्स्ट हाउ डू शॉर्ट ईयर्स एंड टेल हेल्प अ पोलर बियर? जो छोटे छोटे कान होते हैं पोलर बियर के और छोटी छोटी पूंछ होती है वो उसको कैसे सर्वाइव करने देते हैं? तो शॉर्ट ईयर्स एंड टेल्स ऑफ द पोलर बियर प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट थ्रू दीज पार्ट्स. इन बॉडी पार्ट्स से जो हीट का लॉस होता है उसको कम करता है. देखिए जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा हीट उतनी आपका एब्जॉर्ब भी उतनी करेगी और लॉस भी उतनी करेगी. ठीक है. तो हाउ इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन इज अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट अ टेम्परेचर. यानी कि परसेंटेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन सा हो गया कि वहाँ पर जो एयर होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने अमाउंट के मॉइस्चर को झेल सकती है, तो उसी को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन वी विल डू लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके थैंक यू.